अमेठी में नहीं थम रहा दबंगों का आतंक। दबंगों के चलते दर्जनों दलित परिवार ने किया पलायन। पलायन की खबर से पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। मऊ में शिक्षक कर्मचारी संघ के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। शिक्षक संघ ने किया पंजाब सरकार का धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज लखीमपुर दौरे पर जा सकते हैं। ऐसे में सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने यूपी सरकार से लखीमपुर खीरी में मारे गए किसान प्रदर्शनकारियों के परिजनों से मिलने की इजाजत मांगी थी, जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी मामले को लेकर कांग्रेस यूपी सरकार पर चौतरफा दबाव बना रही है और ऐसे में राहुल गांधी आज सुबह, बता दें आपसे थोड़ी ही देर बाद, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। उधर सीतापुर में गिरफ्तारी के बाद पीएससी गेस्ट हाउस से ही प्रियंका गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं को फोन के जरिए संबोधित किया। मंगलवार को समर्थन में मशाल जुलूस भी निकाला गया। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं ने लखीमपुर में किसानों को गाड़ी से कुचलने के आरोपियों की गिरफ्तारी और मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग की। साथ ही गेस्ट हाउस के बाहर जुटे समर्थकों से प्रियंका गांधी ने फोन के जरिए बातचीत की और यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो लखीमपुर में जो कुछ हिंसा हुई उसके बाद सियासत जो है पूरी तरह से गरमाई हुई है और आज बताते राहुल गांधी लखीमपुर खीरी जा सकते हैं। हालांकि सरकार से, उन्होंने यूपी सरकार से इजाजत मांगी थी लेकिन उन्हें इजाजत नहीं दी गई है। उसके बाद भी कोशिश राहुल गांधी कर सकते हैं आज लखीमपुर खीरी जाने की और ऐसे में उनके साथ प्रतिनिधिमंडल भी रहेगा जो उनके साथ लखीमपुर खीरी जाएगा। आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर बाद ही राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और साथ ही कांग्रेस का कई दिनों से इस पूरी घटना को लेकर अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन भी देखा जा सकता है। वहीं प्रियंका गांधी को भी गिरफ्तार किया हुआ है सीतापुर में, जहां से वो फोन के जरिए ही संबोधित अपने कार्यकर्ताओं को कर रही हैं। तो आपको बता दें कि लगातार लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। साथ ही प्रियंका गांधी ने अपनी गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। ऐसे में राहुल गांधी लखीमपुर खीरी जाने वाले हैं आज, लेकिन उन्होंने इजाज़त मांगी थी, उन्हें इजाज़त नहीं दी गई है। वहीं अगर आपको लखीमपुर खीरी की स्थिति की बात करें तो वहाँ पर बता दें आज फिर से एक बार इंटरनेट सेवाएँ बंद कर दी गई हैं लखीमपुर खीरी में, क्योंकि जिस तरह से हर बीते दिन ये मामला और ज़्यादा तूल पकड़ता जा रहा है, उसको देखते हुए सख्त कदम प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं सुरक्षा को देखते हुए, और किसी भी तरह की ऐसी हिंसा आगे आने वाले दिनों में ना हो इसको देखते हुए भी ये कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में अब आज राहुल गांधी वहां जाने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि अब से थोड़ी ही देर बाद राहुल गांधी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कुछ कहेंगे ये देखने वाली चीज़ है। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी, आपको बता दें कि आज जाने की वहाँ कोशिश कर सकते हैं, उसको देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इजाज़त सरकार की तरफ से नहीं दी गई है और रविवार की बात करें तो रविवार को लखीमपुर खीरी में जो कुछ हुआ उसके बाद से ही तमाम विपक्षी दल के नेता लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। यूपी में चुनाव करीब होने पर दलित वोटों को साधने के लिए जहां बीजेपी के नेता दलितों के घर भोजन कर रहे हैं, तो वहीं अमेठी में ब्लॉक प्रमुख के परिवार वालों की दबंगई सामने आई है, जिसके चलते दर्जनों दलित परिवार ने गांव छोड़ पलायन किया है। जैसे दलितों के पलायन की खबर पुलिस को मिली तो पुलिस के हाथ पाँव फूल गए। पुलिस ने सबको थाने पर बिठा कर पूछताछ की और मामले की जाँच में जुट गई। दरअसल ये मामला मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर गांव में दलित परिवारों के अलावा क्षत्रिय समाज के लोग भी बड़ी संख्या में रहते हैं। वहां के निवासी और ब्लॉक प्रमुख दिनेश सिंह के परिवार पर दलित परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसे में गांव के ही एक दलित युवक ने बताया कि अरविंद सिंह और प्रवेश सिंह में मारपीट हुई और ये मारपीट कब और कहाँ हुई हम लोगों को नहीं पता। ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि हम लोगों ने इन्हें मारा है। अब ये दबंग गालियाँ दे रहे हैं, तमंचा लेकर रास्ते में बैठते हैं और हमें धमकियाँ दे रहे हैं।
हमारी बहन बेटियों को गालियां दे रहे हैं और उनके साथ बदतमीजी भी की जा रही है। उसने ये भी बताया कि साल भर में कई एप्लीकेशन डाल चुके हैं लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं पीड़ित दलित युवक का आरोप है कि दबंग कह रहे हैं कि ट्रैक्टर चढ़ाकर तुम्हें मार दिया जाएगा और साथ ही एक्सीडेंटल केस बनेगा, हमारा कुछ नहीं होगा। वहीं पीड़ित दलित महिला ने कोतवाली में मीडिया को बताया कि दबंग बिना कारण उन्हें मारते हैं और गलत भाषा का बात करने का उनके साथ इस्तेमाल भी किया जाता है। सर थाने आए हैं सर, ये अरविंद सिंह और ये परवेश सिंह सर, दोनों ये मारपीट कहाँ हुई, कैसे हुई सर, कुछ पता नहीं हम लोगों को। ये लोग कहते हैं सर कि हमने उन्हें मारा है सर, गलत आरोप लगा के मुझे मारने की धमकी देते हैं सर, कट्टा लेके बैठते हैं, मुझे दौड़ते हैं रोड पर मारने के लिए दौड़ाते हैं सर, इसीलिए हम यहाँ आए हैं कि सर हमें कुछ मिले, सुरक्षा मिले या और कुछ हो सर, कुछ न कुछ सहायता हो सर। हमारी बहन बेटियों को गाली देते हैं सर, सरेआम जाके द्वार पर गाली दे के आते हैं सर, हमारी बहन बेटियों को छेड़ देते हैं। हम लोग सर बहुत परेशान हैं, आज से नहीं, आज कई साल से सर ऐसे परेशान हैं, कई एप्लीकेशन डाल दिए हैं सर, कोई सुनवाई आज तक हुई नहीं। यहाँ जाते हैं, यहाँ तक कि विधायक जी आते हैं, समझौता भी करवा देते हैं सर, दो चार दिन दस दिन महीना भी माने रहते नहीं, फिर वही हाल करते हैं और कह रहे हैं सर कि तुम लोगों को सर ट्रैक्टर से चढ़ा के मार दूंगा, एक्सीडेंटल केस बना दूंगा, कुछ नहीं होगा सर। और सुरेश सिंह उनके भाई बड़े आए, उन्होंने पूछा क्यों मारा उसे, तो हमने कहा सर हमने मारा ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है तो मैं क्या बताऊँ कैसे मारा कैसे नहीं मारा। तो बोल रहे हैं कि तुम्हें तीन भाई ने मारा है। तो हमने सर क्या चाहते हो, चाहते हैं सर, इन्होंने आरोप लगा रहे हैं झूठा, तो क्या करें सर, ये मारने की धमकी दे रहे हैं, तो हमें सर कुछ सपोर्ट या सरकारी कुछ तो होना चाहिए सर हमारे साथ। मामला यह है साहब कि हम रहा नहीं पाओ, बिना अर्थ हमको मारते हैं, गरियाते हैं, हमारी बहन बिटिया पकड़ते हैं। कौन प्रमुख के जो है भाई लड़का किस लिए, कोनो अर्थ नहीं साहब, हम गरीब आदमी कमा रहे हैं ना खा रहे हैं। क्या नाम है उनका, एक जिन्हें के अरविंद नाम है, एक जिन्हें के सूर्यत नाम है, एक जिन्हें के परवेश नाम। मामला यही है सर कि अरविंद सिंह और मिंटू सिंह कह रहे हैं यहाँ पे मारने दौड़ते हैं, गाली देते हैं, यहाँ पे गोली को धमकी देता है। क्यों, ये जो है गाली देता है, मारता है, गाली देकर कहता है यहाँ पे तुमको सबको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, कट्टा लेकर रात भर 24 घंटा कल पूरी रात घर में घेरा था। आगरा के फतेहाबाद क्षेत्र में झोलाछाप क्लिनिकों पर स्वास्थ्य विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी देखने को मिली, जहां पर एसडीएम एसीएमओ की टीम ने एक अस्पताल, दो झोलाछाप के क्लिनिकों को सील कर दिया और इसी के साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने चार अन्य अस्पतालों को भी नोटिस दे दिया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से झोलाछाप डॉक्टरों में हड़कंप मच गया हुआ है। आगरा में सपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता विद्युत कटौती को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं सपा कार्यकर्ताओं की पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद विद्युत समस्याओं को लेकर धरने पर बैठे सपाइयों पर पुलिस ने लाठियां बरसा दी। वहीं पुलिस लाठीचार्ज में घायल हुए एक सपा कार्यकर्ता महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार को भी गंभीर चोटें हैं। तो आपको बता दें विद्युत कटौती को लेकर सपा कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, तस्वीरें देख सकते हैं आगरा की जहां पर सपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखा गया। वहीं पुलिस ने भी सपा कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाई, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हो चुके हैं। अमेठी के मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र में कच्चे मकानों के गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें कि कल हुई बारिश की वजह से कच्ची दीवार गिर गई, वहीं दीवार के मलबे की चपेट में आने से बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी और सूचना के बाद पुलिस नहीं पहुंची, जबकि इसके बाद स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंचे तहसीलदार ने राजस्व टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बस्ती के वाल्टरगंज चीनी मिल की तरफ से कर्मचारियों का वेतन और किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान 4
साल बीत गए हैं, लेकिन प्रदेश सरकार भुगतान नहीं कर पाई है, जबकि चीनी मिल बंद चल रही है। आपको बता दें कि वाल्टरगंज चीनी मिल 2018 में बंद हुई थी और लगभग 4 साल बीत गए, लेकिन गन्ना किसानों का 42 करोड़ और कर्मचारियों का 11 करोड़ बकाया है। बकाया भुगतान न होने से किसान तो परेशान है ही, वहीं चीनी मिल में लगभग 400 कर्मचारी भी काम करते थे, उनका भी भुगतान नहीं हो पाया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि चीनी मिल बंद होने की वजह से 400 कर्मचारी जो चीनी मिल में काम कर रहे थे, आज भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। तमाम समस्या है। क्या समस्या है? गन्ना भुगतान ना होने से शादी विवाह, जैसे घर बनवाना है, बच्चों का परवरिश करना है, पढ़ाई लिखाई में तमाम समस्याएं हैं। कुछ लोगों को नात हित मित्र को कुछ उधार बाड़ी दिया जाता है। एक समय था। अच्छा, मूल बकाया के लिए कितने लोग ऊपर चढ़े हुए हैं, चिमनी पे चढ़े हैं? मूल बकाया वैसे हम तो पहचान नहीं रहे, लेकिन ये कर्मचारी यहाँ के हैं, एक वही ऊपर से बता रहे हैं कि हम किसान हैं। तो क्या आप ये मानते हैं कि जो उन लोगों ने किया सही है? सही है, सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भाई। जब भुगतान नहीं होगा, शुगर मिल नहीं चलेगा, हम लोगों की रोजी रोटी नहीं मिलेगी। आपका जितना भुगतान है उसको लेके क्या आपने संबंधित अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराया है, और अगर अवगत कराया तो उस पर क्या कार्रवाई की गई अभी तक? उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम लोग हम जब यहाँ आए हैं, वाल्टरगंज आए हुए, कहे अपने सोसाइटी पर जाए, पहले हमारा शुगर मिल बस्ती था, वहाँ जाते थे। एक बार इन्होंने कहा कि आपका चेक वहाँ पहुँच गया है, 2-3 चक्कर वहाँ मारे, लेकिन हमारा चेक वहाँ नहीं पहुँचा अभी तक। मुख्यमंत्री बार बार दावा करते हैं गन्ना किसानों को 15 दिन के अंदर भुगतान हो गया है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तो दावा करेंगे, झूठा झूठे दावा करते हैं। एक पॉलिटेक्निक चौराहे पर, पॉलिटेक्निक के प्रांगण में प्रधानमंत्री जी ने कहा था 23 फरवरी 2017 में कि हमारी सरकार बनेगी, 14 दिन के अंदर हम किसानों का भुगतान कर देंगे। हम लोग गदगद हो गए थे वोट देकर उनको सरकार बनाया, लेकिन आज तक उन्होंने जो वादा किया उस पर 1% भी खरा नहीं उतरे हैं। और सरकार कह रही थी कि हम 14 दिन के अंदर में जितना पैसा है सब भुगतान दे दिए हैं, अभी तक हम लोग का भुगतान नहीं मिला। आज कुछ यहाँ क्या घटना घटी है, लोग चिमनी पर चढ़े हुए हैं? और पैसे के लिए घटी है, पैसे नहीं दे रही है मिल मालिक, और मिल चलने के कगार पे है। इतना बकाया है कैसे? बकाया तो हम नहीं बता पाएंगे, बकाया तो बहुत है। आप लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुई हिंसा के दौरान मारे गए किसानों के परिजनों में बेहद ही आक्रोश पनप उठा है। बहराइच के नानापार इलाके के 2 किसानों की मौत लखीमपुर में हुई थी, जिनका शव पोस्टमार्टम के लिए बहराइच भेजा गया है, लेकिन मृतकों के परिजन अंतिम संस्कार करने से मना कर रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि मंत्री के दबाव में गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई गई है, और उनका ये भी आरोप है कि किसान की हत्या गोली लगने से हुई है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं भी गोली लगने की बात नहीं दिखाई गई है। ऐसे में मृतक किसानों के परिजन लगातार ये मांग उठा रहे हैं कि दोबारा डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया जाए, उसके बाद ही वो अंतिम संस्कार करेंगे। और इसी बीच किसानों के परिजनों से मिलने पहुंची पंजाबी फिल्मों की हीरोइन सोनी मान ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। फिलहाल किसानों को मनाने में IG देवी पाटन मंडल राकेश कुमार भी जुटे हुए हैं। बताएंगे नहीं, आपका क्या कहना है? आप दाह संस्कार क्यों नहीं? कोई बता नहीं, रिपोर्ट कोई मांगे हैं सरकार से अभी? आपकी आधी अधूरी मांगे हैं। रिपोर्ट हमको मिले तब हम। कैसी रिपोर्ट मिले आपको? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिलेगी तब आप दाह संस्कार कराएंगे? हरदोई की सुरसा पुलिस ने सर्विलांस और स्वाट टीम की मदद से वाहन चोरों के गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से 6 बाइक बरामद की है। ये बाइक लखनऊ, कन्नौज और हरदोई से चोरी की गई थी, और पुलिस को ये सफलता SP के ऑपरेशन शिकंजा के तहत मुखबिर की सूचना पर मिली है। आपको बता दें कि SP ने बताया है कि सभी को जेल भेज दिया गया है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये कामयाबी थाना सुरसा जनपद हरदोई टीम का है। इन्होंने एक अभियान के तहत जो बाइक चोरियां हो रही थी उनके काम करने वाले चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। 4 चोर बहुत शातिर किस्म के हैं, जिनका पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है, उनको गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से आधा दर्जन हाई स्पीड और हाई क्वालिटी मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं।
छह मोटरसाइकिलें बरामद हैं, जिसमें से तीन मोटरसाइकिलें चोरी की घटनाओं से संबंधित पाई गई हैं। शेष तीन मोटरसाइकिलें संदिग्ध हैं, जिनके बारे में हमारी सुरसा पुलिस और क्राइम ब्रांच जांच पड़ताल कर रही है। इन चारों चोरों को इन छह मोटरसाइकिलों के साथ हमने कब्जे में लिया है। सभी ठोस सबूतों के साथ इन चारों चोरों, जिनका सरगना सलमान नाम का एक चोर है, उस सरगना के साथ इनको जेल भेजा जा रहा है। इन पे आगे भी फॉलो अप कार्रवाई की जाएगी, जैसे एचएस का खुलवाना, गैंगस्टर बनाना, इनकी संपत्तियों को कुर कराना। जालौन के राजकीय मेडिकल कॉलेज में कोरोना की जांच को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है, जिसमें लैब में तैनात तीन रिसर्च साइंटिस्टों की बड़ी लापरवाही की बात सामने आई है। दरअसल सितंबर में जब पूरे प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पर ब्रेक लग गया था, तो वहीं जालौन में लगातार पॉजिटिव मरीजों का ग्राफ बढ़ रहा था। इस बात को लेकर सीएमओ ने शक जताया, तो मरीजों की जाँच दोबारा मेडिकल कॉलेज झांसी और राम मनोहर अस्पताल में कराई गई, तो पूरे मामले की पोल खुल गई और पता चला कि यहाँ तैनात साइंटिस्टों ने कोरोना जांच में फर्जीवाड़ा किया है। बात का खुलासा होने पर डीएम ने जांच कमेटी भी बना दी और रिसर्च साइंटिस्टों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की जा रही है। तो आपको बता दें, जालौन में मेडिकल कॉलेज की लैब में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां जब कोरोना के मामले पूरे जालौन में कम हो रहे थे, तो उसके बाद लगातार मामले बढ़ने की बात आ रही थी। उसके बाद जब सीएमओ को शक हुआ, तो सीएमओ ने दोबारा से जांच कराई, जिसके बाद ये पता चला कि वहां पर गलत रिपोर्ट दिखाई जा रही थी और ये बड़ा फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ था। विगत माह सितंबर में कुछ आरटीपीसीआर की ज़्यादा पॉजिटिव संख्या आई, इस पर जिलाधिकारी जालौन और मुख्य चिकित्सा अधिकारी जालौन ने मेरा ध्यान आकर्षित कराया। इस पर मैंने सैंपल्स की दोबारा जांच लगवाई, तो ये सारे सैंपल्स नेगेटिव आ गए। इस संबंध में फिर मैंने इस उचित समझा कि बाहर से भी इनकी जांच करा ली जाए। चलिए सीधा आपको दिल्ली लिए चलते हैं, जहाँ पर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं लखीमपुर खीरी से जुड़े पूरे मामले को लेकर। उनका मर्डर किया जा रहा है, बीजेपी के होम मिनिस्टर की बात हो रही है, उनके पुत्र की बात हो रही है, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। दूसरी तरफ पूरे देश के किसानों पर सिस्टमैटिकली एक के बाद एक आक्रमण हो रहा है। पहला आक्रमण लैंड एक्विजिशन बिल को रिवर्स करने का, दूसरा ये जो तीन नए कानून लाए हैं, और आज सिस्टमैटिकली जो किसानों का है उनसे छीना जा रहा है। और ये चोरी सबके सामने हो रही है, इसलिए देश के किसान दिल्ली के बाहर बैठे हैं। कल प्रधानमंत्री जी लखनऊ में थे, मगर प्रधानमंत्री जी लखीमपुर खीरी नहीं जा पाए। पोस्टमार्टम ठीक से नहीं किया जा रहा है, और सिस्टमैटिकली जो भी कुछ कहे उसको बंद किया जा रहा है। आज दो चीफ मिनिस्टर्स के साथ हम लखनऊ जाने की कोशिश करेंगे, लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश करेंगे, उन परिवारों से मिलने की कोशिश करेंगे। बताइए। शुक्रिया। वील हैव वन बाय वन, वील स्टार्ट विद पीटीआई संजीव सिंह। दिस इज प्लीज बी क्लियर, दिस इज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस about the farmers issue and the murder that has taken place in Uttar Pradesh. I would recommend that you don't try and distract that. I'm here to speak on that issue. I'm not going to get involved in that. If you are interested in asking a question about the farmers, you're welcome to do so. What
It is a, as I said, it is a systematic attack on the farmers of this country. And it is arrogance, because the government does not realize or understand the power of the farmers. And they are provoking the farmers, they are insulting the farmers, they are killing the farmers. This is a very dangerous and bad idea. Siddharth from ANI. हमने उसके बारे में चिट्ठी लिखी है. हम तीन लोग जा रहे हैं. सेक्शन 144 पांच लोगों को रोकता है. तीन लोग सेक्शन 144 में जा सकते हैं, तो हमने उनको चिट्ठी लिख दी है. ये जो यूपी में हो रहा है, किसानों को मारा जा रहा है, मगर इससे पहले हाथरस में भी हुआ था और उनके एक एमएलए ने भी रेप किया था. तो ये सिस्टमैटिकली ये एक नई तरीके की राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश में. क्रिमिनल्स जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, चाहे वो बलात्कार हो, किसानों का खून हो, और जो मारते हैं, जो रेप करते हैं वो जेल के बाहर होते हैं, और जो मरते हैं वो जेल के अंदर जाते हैं. थैंक यू सर. आशीष फ्रॉम एबीपी. मतलब हम वहां जाके देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, परिवार को सपोर्ट देना चाहते हैं, सिर्फ यहां हमें रोका जा रहा है, बाकी पार्टियों को जाने दे रहे हैं. हमने क्या गलती की है? और जहां तक प्रियंका की बात है, ठीक है, प्रियंका को बंद किया है, मगर ये मामला किसानों का है. थैंक यू सर. नीरज फ्रॉम टीवी 18. देखिए, ये मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ. जैसे अभी आपने बोला ये राजनीति हो रही है. देखिए, हमारा काम, ऑपोजिशन का काम प्रेशर बनाने का होता है. जब हम प्रेशर बनाते हैं तब वहाँ पे कार्रवाई होती है. हाथरस में हमने प्रेशर बनाया तब जाके कार्रवाई हुई. सरकार चाहती है कि हम इस मुद्दे को उठाए ना, प्रेशर ना बनाए, कि जिन्होंने मर्डर किया वो भाग के निकल जाए. अगर हाथरस में हम गए नहीं होते, वहां पे जिन्होंने बलात्कार किया था वो सब स्कॉट फ्री निकल जाते. अगर हमने उससे पहले उनके एमएलए के बारे में नहीं बोला होता, वो भाग से निकल जाते. तो इसलिए हम दबाव डाल रहे हैं. हम दबाव क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि किसानों के साथ गलत काम किया गया है, उनको मारा गया है. और सचमुच बताऊं तो ये आपका काम है, आप लोग तो करते नहीं हो. जो आपकी जिम्मेदारी है उसको तो आप निभाते नहीं हो, उल्टा आप सवाल पूछते हो कि ये पॉलिटिक्स हो रही है. आपकी जिम्मेदारी भी है, उसको तो आप भूल गए और फिर कहते हो, हमें कहते हो. थैंक यू. न्यूज नेशन से मोहित. क्योंकि देश का जो ढांचा है, इंस्टीट्यूशनल जो स्ट्रक्चर है, उसको बीजेपी आरएसएस ने काबू कर लिया है. और ये सिर्फ मीडिया की बात नहीं है, आप जानते हो मीडिया को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है. इसी प्रकार से हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल किया गया है.
सिंपल सा आंसर है। थैंक यू सर। एनडीटीवी डिक्टेटरशिप, देखिए यहां पे जो डेमोक्रेसी हुआ करती थी आज हिंदुस्तान में डिक्टेटरशिप है, सीधी सी बात है। राजनेता उत्तर प्रदेश में नहीं जा सकते, कल से हमें कहा जा रहा है कि भैया आप उत्तर प्रदेश नहीं जा सकते। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर जाते हैं, किसानों से मिलने जाते हैं, उनको कहा जाता है सेक्शन 144। ये कहते मैं तो अकेला हूं, 144 कैसे लागू होगा? कोई जवाब नहीं। अब डिक्टेटरशिप किस बात की है? क्यों डिक्टेटरशिप? क्योंकि भयंकर चोरी हो रही है। जो स्मॉल मीडियम बिजनेसेस हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनसे चोरी हो रही है, किसान हैं, उनसे चोरी हो रही है, और जो आम जनता है उनके जेब में से चोरी हो रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जाते हैं और जो हिंदुस्तान की आवाज है उसको कुचला जा रहा है। सुनील, see, it is a narrative that is being built by the forces that I mentioned. It is a narrative that is built using institutions. It is built using the police. It is built using all these different structures. But what you will find is that there is a limit to this narrative. And you will find sooner rather than later, there will be an explosion, the size of which people are not understanding. So what we are trying to do is, we are trying to tell the government, let the democratic process work. This is what the country is about. Do not interfere with the democratic process because it is a safety valve. If you shut the safety valve, other types of problems will come. Right? So we are pushing for maintaining the democratic process. We are also pushing, when the chief ministers, myself, others go to visit this family, we are trying to give them confidence that in this country, you cannot be run over by a criminal who calls himself the home minister's son and then nothing happens. We are not going to allow that. That is the message we are trying to give him. It's a message of hope, right? Today, those families don't have hope. Today the farmer doesn't have hope. That is what we are doing. One second. Sunil, please don't mind. One question at a time, there are other friends waiting. Supriya, please. देखिए, चाहे प्रियंका हो, चाहे मैं हूँ, चाहे हमारे फैमिली का कोई भी हो, मैन हैंडलिंग से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे से आप कुछ भी कर लीजिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम किसानों की बात कर रहे हैं। हमें बंद कर दीजिए, मैन हैंडल कर दीजिए, मार दीजिए, काट दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी ये ट्रेनिंग है, सालों पुरानी ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग हमें फैमिली, हमारे परिवार देता है, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं, लैंड एक्विजिशन बिल का मैंने आपसे कहा कि ये सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। लैंड एक्विजिशन, फार्म लॉज, ये किसानों का जो है उनसे छीनने का तरीका है। थैंक यू सर। सुप्रिया, नो विजया फ्रॉम
सबसे पहले मैं वहाँ जाकर बात समझना चाहता हूँ, ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी, सचमुच में ग्राउंड रियलिटी अभी तक किसी को नहीं मालूम, ठीक है। तो सबसे पहले हम वो जाके समझना चाहते हैं, इसलिए हम लखनऊ जा रहे हैं। रजत, लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद क्या, हम प्रेशर डालेंगे? हम प्रेशर के बिना तो कुछ नहीं होगा, मगर प्रेशर डालेंगे, कोशिश करेंगे। बट ये देखिए, आप सवाल जो पूछ रहे हैं ये रिडिकुलस सवाल है, क्योंकि डेमोक्रेसी में ऐसा सवाल उठना ही नहीं चाहिए कि आप कह रहे हो कि देखो भाई भैया वहां पे किसी ने 6 लोगों को कुचल दिया, प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, और आप मुझसे पूछ रहे हो कि जिस व्यक्ति के बेटे ने किया उस पर कार्रवाई होगी। यह डिक्टेटरशिप में सवाल पूछा जाता है, डेमोक्रेसी में ऐसा सवाल नहीं पूछा जा सकता। थैंक यू। लास्ट, जस्ट वन सेकेंड, लास्ट क्वेश्चन। उमा शंकर, नहीं, सबको नहीं रोका गया, नहीं सबको नहीं रोका गया। Was everyone stopped? दो पार्टीज कल गई थी, टीएमसी और भीम आर्मी। देखिए, जैसे मैंने आपको बोला, ये हम ऑपोजिशन यूनिटी बहुत अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए, मगर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये किसानों का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हम डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते, जिन लोगों को वहाँ मारा गया है उनकी हम इज्जत रखना चाहते हैं और उन्हीं की बात करना चाहते हैं यहाँ पे। Let us see when we go there what happens. I cannot predict to you what is going to happen, but we'll go and see. My goal is to go and meet the people who have been killed. Let's see. Thank you so much. Thank you, friends. Thank you very much, Saeed bhai. Next time I will begin with you. I apologize for today. तो राहुल गांधी दिल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे लखीमपुर की एक पूरी घटना को लेकर, साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार और यूपी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में किसानों की आवाज़ को कुचला जा रहा है और ये तीनों कृषि कानून जो हैं वो किसानों पर हमला है। और लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर उन्होंने कहा कि मैं किसानों से मिलने लखीमपुर खीरी जाना चाहता हूँ और ऐसे में मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। साथ ही हाथरस कांड का भी यहाँ पर उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हाथरस कांड में जब हमारी पार्टी ने सरकार पर दबाव बनाया, वहाँ पर हम गए, पीड़ित से हमने मुलाकात की, दबाव बनाया, उसके बाद ही उस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं की गई और इसीलिए हम लखीमपुर खीरी जाना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने प्रियंका गांधी को जिस तरह से गिरफ्तार किया है उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी को गिरफ्तार तो किया है लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, हम तब तक अड़े रहेंगे जब तक हमें लखीमपुर खीरी जाकर किसानों से मिलने नहीं दिया जाता है। चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और मऊ की खबर का रुख कर लेते हैं। मऊ में शिक्षक कर्मचारी संघ के लोगों ने अपनी कई मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने अपनी पुरानी पेंशन, कैशलेस चिकित्सा बहाल करने और आउटसोर्सिंग से शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया और शिक्षकों को कंप्यूटर पर काम कराए जा रहे कामों को बंद करने की मांग करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट के जरिए ज्ञापन देकर इन सभी को लागू करने की मांग की है। वहीं शिक्षक संघ ने पंजाब सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि पंजाब सरकार ने पंजाब में शिक्षकों की पुरानी पेंशन को बहाल कर सभी राज्यों को आईना दिखाने का काम किया है।
अवगत करा दिया गया था अपनी मांगों के संबंध में, जिसमें मुख्य हैं पुरानी पेंशन बहाल करो, कैशलेस चिकित्सा बहाल करो, आउटसोर्सिंग से कर्मचारियों की भर्ती बंद करो, शिक्षकों को कंप्यूटर ऑपरेटर बनाना बंद करो। और इन मांगों को, तमाम मांगों को लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया था कि अगर सरकार ने इस पर समय कार्रवाई नहीं की तो 5 अक्टूबर को पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर हम लोग रैली निकाल कर ज्ञापन सौंपे। इससे पहले भी कई बार दे चुके हैं ज्ञापन? जी, इससे पहले हम लोग हड़ताल तक किए थे पुरानी पेंशन बहाली को लेकर, और उस समय माननीय उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद हम लोगों ने अपनी हड़ताल स्थगित कर दी थी, और सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि कमेटी बनाकर और शिक्षकों की पुरानी पेंशन बहाली पर कर्मचारियों की विचार किया जाएगा, लेकिन सरकार ने वादा खिलाफी की। 1.5 बरस के पूर्व हड़ताल खत्म हुए हो गया, लेकिन आज तक कोई कमेटी ने कार्रवाई नहीं की। पंजाब में जो पेंशन बहाल हो चुकी, नए सीएम आने के, हाँ, हम लोग पंजाब के मुख्यमंत्री को, उत्तर प्रदेश के शिक्षक कर्मचारी अधिकारी जो है, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने पुरानी पेंशन बहाल करके और देश के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ये नसीहत दी है कि आप भी चाहें, अगर इच्छा शक्ति हो तो आप भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट गन्ना मंत्री सुरेश राणा शामली की थाना भवन नगर पंचायत परिसर में आयोजित अमृत महोत्सव के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे, और इस दौरान सुरेश राणा ने कार्यक्रम में बोलते हुए पूर्व सपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा सरकार केवल सैफई में ही विकास करती थी, बाकी पूरा देश उनके लिए अछूता था। साथ ही उन्होंने कहा कि आखिर क्या कारण है कि प्रदेश में के अन्य हिस्सों में सपा विकास कार्यों को प्राथमिकता नहीं दी थी, और वो नहीं चाहती थी कि प्रदेश के कई हिस्सों में भी विकास कार्य हो। आज थाना गोवर्धन क्षेत्र के सभी संभ्रांत व्यक्तियों और पीस कमेटी के सदस्यों के साथ मीटिंग हुई, जिसमें आगामी त्योहारों और रामलीला अन्य त्योहारों के बारे में चर्चा की गई। उनसे उनको सभी को जो शासन के दिशा निर्देश हैं, गाइडलाइन हैं, शांति और सौहार्द को उसके ऊपर मनाने की अपील की गई है, और सभी का सहयोग अपेक्षित है। महोत्सव और दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों की लहर चल रही है, जिसके मद्देनजर शांति और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। इसी क्रम में कस्बा गोवर्धन के थाना परिसर में क्षेत्राधिकारी गोवर्धन गौरव त्रिपाठी और कार्यवाहक थाना प्रभारी रविंद्र बाबू द्वारा कस्बे के गणमान्य और आसपास के क्षेत्रों के गणमान्य लोगों के साथ पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आने वाले त्योहारों पर शांति और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मंथन किया गया। साथ ही किस प्रकार से सौहार्दपूर्ण माहौल में सभी त्योहारों का सफल आयोजन हो सके, इस पर भी चर्चा की गई। बता दें, बैठक में सम्मिलित हुए गणमान्य लोगों ने इस विषय पर अपने अपने विचार क्षेत्र अधिकारी के समक्ष रखे और कुछ आवश्यक सुझाव भी प्रस्तुत किए, जिन पर विचार विमर्श के बाद आवश्यक दिशा निर्देशों के साथ अमल की बात क्षेत्राधिकारी ने कही है। साथ ही वही बैठक में बता दें, गोवर्धन बस स्टैंड से लेकर डीग अड्डा अप तक नो पार्किंग जोन में अनावश्यक रूप से बाहरी वाहनों की पार्किंग को लेकर स्थानीय लोगों को ना अपनी चिंता जाहिर की, और जिस पर क्षेत्राधिकारी गौरव त्रिपाठी ने अधीनस्थों को जरूरी दिशा निर्देश देकर जल्द ही समस्या का निराकरण करते हुए निर्देश भी दिए हैं। पूरे देश में 7 तारीख से, यानी कि कल से नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन सालों से नवरात्रि के गरबा को लेकर पूरी दुनिया में गुजरात जाना जाता है। नवरात्रि आने के 3 महीने पहले गुजरात में गरबा खेलने की नए स्टाइल भी सीखे जाते हैं, और लोग काफ़ी उत्साह के साथ 9 दिन गरबा खेलते हैं, लेकिन पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसीलिए सरकारों की गाइडलाइन के हिसाब से गरबा का आयोजन किया जाता है, और गुजरात वाले गरबा न खेलें ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
गुजरात में भी गुजरात सरकार की ओर से शहरी कर्फ्यू को रात 12 बजे तक की इजाजत दे दी गई है और इसीलिए गुजरात के लोगों में काफी उत्साह भी देखा जा सकता है। साथ ही लोग वापस गरबा प्रैक्टिस में भी जुट गए हैं और मार्केट में भी लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं लोग अपने चेहरों पर मुस्कान के साथ नवरात्रों की खरीदारी करने के लिए उमड़ पड़े हैं। न्यूज वर्ल्ड इंडिया की गुजरात टीम ने गरबा क्लासेस और मार्केट में जाकर लोगों की व्यवस्थाओं को जानने की कोशिश की, आप भी देखिए। जी हाँ, मैं प्रणव सिंह राजपूत, आप देख रहे हो न्यूज वर्ल्ड इंडिया। और अभी फिलहाल मैं जो भद्रकाली माता का मंदिर है, जो भद्रकाली किले से पहचाना जाता है, वो मार्केट में आया हुआ हूँ। और अभी फिलहाल जो कोरोना काल के बाद जो भद्रकाली मार्केट जो बंद था वो, लेकिन अभी जो सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से काफी सारा जो लोग है उमड़ भर, जो गुजरात के कोने कोने से जो भद्रकाली मार्केट जो है वहाँ पे लोग उमड़ पड़े हैं और खरीदी करने के लिए छोटे छोटे बच्चे से लेकर महिलाएं जो बुजुर्ग है वो लोग निकले हुए हैं। जो गरबा क्लासेस और अभी नवरात्र नवरात्रि की स्टार्टिंग होने वाली है और उससे पहले जो उनके जो मार्क्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो नवरात्रि की जो प्रैक्टिस यहाँ पे जो की जा रही है, मैंने एग्जैक्टली पीछे में मेरे कैमरामैन को दिखाना चाहूँगा किस प्रकार के जो यंग जो गर्ल्स हैं और जो बॉयज हैं वो गरबा की प्रैक्टिस जो टेनिस पहन के वो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं और काफी उत्साह के साथ उनके चेहरे पे जो स्माइल है स्माइल के साथ वो लोग गरबा की प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहे हैं और काफी उत्साह के साथ उन्होंने जो ट्रेडिशनल ड्रेस पहना है कुछ अलग के डिफरेंट अलग अलग जो ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के गरबा की प्रैक्टिस यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुजरात जी हाँ, मैं प्रणव सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। और अभी फिलहाल जो मैं गरबा क्लासेस जहाँ पे चल रहा है वहाँ की प्रैक्टिस वहाँ पे चल रही है और काफी यंग जो बच्चे हैं यहाँ पे गरबा की प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मैंने अभी फिलहाल आपको एक वीडियो दिखाया था, उसमें काफी ट्रेडिशनल पहन के जो बच्चे लोग जो यहाँ पे गरबा की प्रैक्टिस कर रहे थे वो मेरे साथ अभी जुड़ गए। और काफी जो अभी कोरोना काल के बाद 2 साल कोरोना में गरबा खेलने को नहीं मिला था गुजरात वासियों को, और काफी उत्साह है क्योंकि लेकिन गुजरात सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से इस वक्त भी जो क्लब्स है और जो पार्टी प्लॉट्स वगैरह में उनको एंट्री नहीं मिलेगी क्योंकि वहां पे प्रतिबंध है। और दूसरी बात है कि जो गरबा खेला जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ शहरियों में और जो सोसाइटियों में ये गरबा का आयोजन किया गया है। और उनके साथ जो अभी बच्चे जो उत्साह के साथ यहाँ पे गरबा की प्रैक्टिस कर रहे थे और मेरे साथ काफी लोग जुड़ गए जो यंग, आपका नाम बताएंगे पहले क्या कहना चाहेंगे 2 साल के बाद आज पहली बार अभी 2 दिन के बाद नवरात्रि स्टार्ट हो रही है और आप लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हो उत्साह के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे, क्या आनंद उत्साह है आपके मन में और ये प्रैक्टिस के साथ आप क्या जहाँ पे सोसाइटी में आप गरबा खेलने वाले हो किस प्रकार से गरबा खेलेंगे? इधर बहुत टाइम से लॉकडाउन में और सब था, कोरोना था, इसके लिए हम गरबा कर नहीं सकते थे, पर इस बार हमको मौका मिला है इंस्टीट्यूट में कि हम लोग गरबा भी कर सकते हैं। लास्ट 1 वीक से हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं और आगे भी अच्छा लग रहा है कि हम बहुत कुछ सीख चुके, लास्ट 2 साल से तो कुछ कर नहीं पाए थे, अब लगता है कि हम सोसाइटी और वहाँ पे भी हम अच्छे से गरबा कर सकेंगे। पहली बात तो बताओ कि जब पार्टी प्लॉट में जाते हो आप क्लबों में जाते हो तो काफी संख्या में लोग मिलते हैं, काफी अलग अलग वैरायटी से अलग अलग स्टाइल से लोग गरबा खेलते हैं, डिफरेंट स्टाइल से लोग गरबा खेलते हैं, हजारों की संख्या में लोग होते हैं, लेकिन जो शहरी गरबा होता है जो सोसाइटी में गरबा होता है उनमें सिर्फ जिने चुने 200 लोग 300 लोग होते हैं, तो क्या वहाँ गरबा खेलने में मजा आता है या पार्टी प्लॉट या क्लबों में गरबा खेलने का मजा आता है? वैसे तो पार्टी प्लॉट और सब फ्रेंड्स के साथ जाते थे तो उनके साथ तो मजा आता था, लेकिन इस बार ये लॉकडाउन और सब था और अब क्या मौका मिलेगा कि फ्रेंड्स तो है ही और साथ में फैमिली के साथ भी हम गरबा कर सकेंगे सोसाइटी के अंदर, इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फैमिली के साथ आप गरबा खेलने का लुत्फ उठाएंगे और मेरे साथ जुड़ गई, आपका नाम बताएंगे क्या है? मानसी रत्नोत्तम। मानसी, क्या कहना चाहेंगे 2 साल के बाद फिर से आप गरबा खेलने जा रहे हो? बहुत अच्छा लग रहा है, 2 साल से हम लोग कोरोना की गाइडलाइन की वजह से घर में थे तो अभी 2 साल के बाद हमें मौका मिल रहा है, बट कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए हम सब गरबा खेलेंगे और बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग लास्ट वीक से हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत रिफ्रेशमेंट हो जाता है गरबा खेलने के बाद। प्रैक्टिस की बात लेके जाए तो प्रैक्टिस कर रहे हो आप गरबा क्लासेस में, क्या 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 थियरी है, कौन से गरबा है उनका नाम होगा ना? हाँ, हम लोगों ने पहले सिंपल नॉर्मल जो स्टेप होते हैं वहाँ से स्टार्ट किया था, फिर कृष्णा, बॉम्बे, पायल, बच्चन, ऐसे बहुत सारे स्टेप हमें सिखाए उन्होंने। अच्छा, और बच्चन का भी आ गया स्टेप इसमें? हाँ, आ गया। भद्रकाली मार्केट में आया हूँ और जो गर्ल्स वगैरह के जो आभूषण होते हैं, जो ऑर्नामेंट्स है, जिस प्रकार से मंगलसूत्र है वगैरह, जो अलग अलग जो चीजें हैं यहाँ पे उपलब्ध है और काफी कम दामों में यहाँ पे मिलती है और काफी जो कोरोना के बाद जो जनता है उमड़ भर यहाँ पे निकल चुकी है और काफी संख्या में लोग यहाँ पे खरीदी करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं कैमरामैन को दिखाना चाहूंगा कि मेरे पीछे आए और जिस प्रकार से जो अभी दीपावली है,
दीपावली भी आ रहे हैं, नवरात्रा स्टार्ट हो रहे हैं, उनके बाद दीपावली आएगी। दीपावली का जो त्यौहार है उनके जो फटाके हैं वगैरह जो है वो भी यहाँ पे बिकने के लिए शुरू हो गए और काफ़ी संख्या में यहाँ पे जो गर्ल्स जो लेडीज आइटम्स है वो भी मिलती है और लोग काफ़ी उमड़ उमड़ के यहाँ पे जो गुजरात की हरे गरे कोने से यहाँ पे लोग आते हैं और काफ़ी संख्या में लोग अभी कोरोना को भूल कर यहाँ पे अच्छी तरह से लोग हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी जो जनता में जो उत्साह है उत्साह के साथ यहाँ पे लोग खरीदी करते हुए नजर आ रहे हैं। काफ़ी संख्या में यहाँ पे जो ये मार्केट की एक खूबी है कि यहाँ पे जो हर एक चीज़ यहाँ पे उपलब्ध होती है और काफ़ी जो यहाँ पे वॉच ले लो या छोटे बच्चे का शूज ले लो या कपड़े ले लो, रेडीमेड गारमेंट भी यहाँ पे उपलब्ध रहते हैं और काफ़ी लोग जो ऑर्नामेंट्स होते हैं जो लेडीज़ के ऑर्नामेंट्स, अभी नवरात्र स्टार्ट हो रहे हैं, नवरात्र में जो गर्ल्स है वो ऑर्नामेंट्स पहन के गरबा खेलती है, वो ऑर्नामेंट्स भी मैं आपको दिखाऊंगा कैमरामैन को दिखाए कि जिस प्रकार से ऑर्नामेंट्स खरीदने के लिए भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं और काफ़ी लोग उत्साह में है क्योंकि दो साल से जो कोरोना काल चल रहा था और कोरोना के बीच लोगों को जो परेशानियों और दिक्कतों का सामना करना पड़ता था वो अभी फिलहाल यहाँ से हट चुका है और काफ़ी जो उत्साह के साथ लोग यहाँ पे खरीदी करते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जो कोरोना गाइडलाइन है काफ़ी हद से सरकार ने हटा ली गई है और जो मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन जो किया जाता था वो लगातार होता जा रहा है लेकिन मार्केट में अच्छी तरह से लोग उमड़ कर और उत्साह के साथ जो यहाँ के जो बिजनेसमैन है जो छोटे छोटे रोजगार वाले हैं वो भी उत्साह ही है क्योंकि जो यहाँ पे जो पब्लिक पहले आती थी वो पब्लिक यहाँ पे नहीं आती थी। अभी फिलहाल जो कोरोना गाइडलाइन हट चुकी है और लोग काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे आ रहे हैं और काफ़ी उत्साह में लोग यहाँ पे खरीदी करते हुए नजर आ रहे हैं और काफ़ी ये जो मार्केट है बहुत लंबा है और काफ़ी विस्तार में फैला हुआ है और लोग यहाँ पे हर एक चीज़ ये छोटी 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 चीज़ होती है यहाँ पे उपलब्ध रहती है, छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्गों के लिए जो मैरिज की जो खरीदी होती है, जो हर एक त्योहारों की जो खरीदी होती है वो यहाँ पे गुजरात के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ जो ये जो मार्केट है वो भद्रकाली मार्केट के नाम से पहचाना जाता है। यहाँ पर जो आम जनता है वो मेरे पास जुड़ गए हैं और क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से भद्रकाली माता का मंदिर यहाँ पे आया हुआ है, भद्रकाली मार्केट है, लोग यहाँ पे हर एक गुजरात के कोने कोने से खरीदी करने के लिए आते हैं, आप भी खरीदी करने आए हुए हैं, क्या उत्साह है क्योंकि कोरोना की गाइडलाइन भी हट चुकी है और काफी उत्साह के साथ लोग यहाँ पे खरीदी करते हुए नजर आ रहे हैं, आप भी खरीदी करने आए, क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि कोरोना वायरस की वजह से लोग काफ़ी उत्साहित भी खरीदने के लिए सामान, पर साथ में ये गाइडलाइंस के ध्यान भी देखा जा रहा है। तो अभी फिलहाल हट चुका है, नवरात्रा आ रहा है, काफ़ी लोग उत्साह के साथ यहाँ पे खरीदी करने आ रहे हैं, आप भी आए हुए हैं, आपको क्या उत्साह महसूस हो रहा है क्योंकि आप भी आए हुए हैं? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जो पाबंदियाँ थी वो हट चुकी है, कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक हट चुकी है, तो आप उत्साह से अभी खरीदी कर रहे हो? हाँ। नवरात्रि की क्या तैयारी है? नवरात्रि की बहुत अच्छे से तैयारी चल रही है। क्या क्या कहना चाहेगी बेटा, सामने बोल के मेरे के साथ? नवरात्रि की तैयारी बहुत अच्छी है। नहीं नहीं, नवरात्रि की क्या कहेगी, गरबा खेलने जाने वाली हो क्या? हाँ। कहाँ पे जाएगी गरबा खेलने? घर पे। क्या आंटी जी आप भी बुजुर्ग है, माँ के दरबार में आए हुए है, भद्रकाली माँ यहाँ पे विराजमान है, पीछे बहुचर जी माता जी विराजमान है, आप खरीदी करने आए क्या कहने? दर्शन करने आए माता जी का, हमको बहुत आस्था है माता जी के ऊपर, दर्शन करने आए, साथ में कोरोना है तो कोरोना की हम गाइडलाइन भी पालन कर रहे हैं। गाइडलाइन का पालन तो कर ही रहे हो क्योंकि अभी तो काफी हट चुका है कोरोना की गाइडलाइंस भी, लोग उत्साह के साथ खरीदी कर रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कहने? जो उत्साह दिखना, जो उत्साह है उसके साथ में सब त्यौहार है, बड़ा अच्छी तरह से मनाओ, पर कोरोना का भी ख्याल रखो। जी हाँ, उनका काफी सराहनीय बात है कि जो उत्साह है त्यौहार है उन्हें मनाओ, लेकिन जो गाइडलाइन है उनका पालन करो और सरकार को सपोर्ट करो। मैं मेरे कैमरामैन से दिखाना चाहूंगा जिस प्रकार से जो भद्रकाली जो मार्केट है, मार्केट में आया हूँ और काफी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं, काफी उत्साह के साथ लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लोग यात्रा स्टार्ट हो रहा है, दीपावली भी आ रही है, दीपावली के साथ साथ हर एक त्यौहार में जो लोग होते हैं गुजरात के कोने कोने से यहाँ पे खरीदी करने के लिए यहाँ पे आते हैं और काफी संख्या में लोग जो लेडीज है, गर्ल्स है और छोटे छोटे बच्चे है, बुजुर्ग है, वो लोग यहाँ पे खरीदी करते हुए नजर दिखाई दे रहे हैं और काफी संख्या में, क्योंकि ये जो मार्केट है वो मार्केट है, उनको पहचाना जाता है क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज, हर एक रेडीमेड गारमेंट
का जो कपड़े हैं, जो छोटे बच्चे के कपड़े हैं, जो ऑर्नामेंट्स है, जो ब्यूटी पार्लर्स का जो लेडीज लोग को जरूरियात है, वो सभी चीज यहाँ पे उपलब्ध रहती है। हर एक चीज छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लोगों का यहाँ पर जो चीज लोग गुजरात के कोने कोने से लेने के लिए यहाँ पे आते हैं और काफी संख्या में यहाँ पर उमड़ भर यहाँ पे खरीदी करते हुए नजर आ रहे हैं। काफी संख्या में लोग उत्साह के साथ, क्योंकि कोरोना चल रहा था, कोरोना की गाइडलाइनों का यहाँ पे जो दिक्कतों का सामना हो लोग जो जनता को करना पड़ता था, लेकिन कोरोना कहीं ना कहीं अभी विदाई लेता हुआ नजर आ रहा है। लोग काफी उत्साह में जो खरीदी करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं और काफी उत्साह के साथ लोग या मैरिज फंक्शन हो या नवरात्रा हो या दीपावली की खरीदी करने के लिए लोग यहाँ पे उमड़ भर यहाँ पे हाजिर है। मैं प्रणव सिंह राजपूत, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, गुजरात। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया।